जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा को चुनाव को लेकर आचार संहिता कभी भी किसी भी समय लग सकती है। अक्टूबर के शुरुआती हफ्ता के अंदर आपको बता दें कि गठबंधन एक तरीके से अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के बड़े जिले भिंड के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया। बीएसपी की तरफ से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इस रैली के अंदर बतौर अतिथि वो मौजूद रहे, लेकिन इस रैली के अंदर उमड़ी जन सैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के होश आपको बता दें कि उड़े हुए। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाहर बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में अच्छा खासा जनाधार रहा है और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश में सीटें भी निकालती रही है। तो ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें निकालेगी यह तो भविष्य के क्रम में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भिंड में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में उमड़ा जन सैलाब, कई राजनीतिक पार्टी के जो लोग थे उनको आपको बता दें कि चेहरे उतारने वाला था। बहुजन समाज पार्टी की इस रैली के अंदर उमड़े जन सैलाब की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस रैली को देखकर आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में भी हलचल काफी ज्यादा तेज है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कहीं दूर भिंड में आपको बता दें कि बीएसपी के राज्यसभा सांसद जब इस रैली में पहुंचे तो बड़ी संख्या में युवा और जो बुजुर्ग है और उनके साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में वोटर्स है, वो कार्यकर्ता है, पार्टी की तरफ निकल कर आए और पार्टी के इस जन सैलाब कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस रैली की आपको बता दें कि बाहर लोगों के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थक है उनमें भी काफी चर्चा रही, बड़ी संख्या में लोगों का उमड़ना भी आपको बता दें कि जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।